वोडाफोन आइडिया दोस्तों फिर से गेम में आ सकता है। यस, आपने सही सुना दोस्तों, वोडाफोन आइडिया फिर से गेम में आ सकता है, अपना 5G लॉन्च कर सकता है, अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन कर सकता है। सिर्फ एक चीज की कमी थी, फंडिंग की। वो फंडिंग बहुत जल्दी आ सकती है दोस्तों। यस, वोडाफोन आइडिया के दोस्तों टॉप मैनेजमेंट मिस्टर मुद्रा यहाँ पे बता रहे हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे BI की जो फंडिंग की बातें हैं, 20,000 करोड़ की फंडिंग की दोस्तों, ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे चल रही है, पेस पकड़ चुकी है अब यहाँ पे, और बहुत जल्दी गुड न्यूज आ सकती है कि वोडाफोन आइडिया एक बड़ी फंडिंग का जुगाड़ कर रहा है, जिससे दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क एक्सपेंशन करेगा और 5G भी लाने वाला है। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक बने रही मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। आप सभी जानते हैं वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क सबसे बेहतरीन नेटवर्क, मैं खुद मेरे गांव के अंदर वोडाफोन आइडिया यहां पे यूज करता हूं, कंपेयर टू जियो रेटेल को छोड़ के, क्योंकि यहां पे उसका नेटवर्क तगड़ा है, खास करके अपलोड स्पीड यहां पे अच्छी आती है, बेहतरीन नेटवर्क, रात को अनलिमिटेड डेटा देता है, वीकेंड डेटा देता है, और कोई आपको जियो रेटेल सारी चीजें नहीं देते। हाँ, लेकिन इसके पास एक डाउनफॉल है दोस्तों, इसके पास 5G नहीं है, लेकिन 5G दोस्तों बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि सरकारी कानून के हिसाब से भी इसको 5G तो लॉन्च करना है, लेकिन पैसा फिलहाल इसके पास नहीं आ रहा। लेकिन अब दोस्तों फंडिंग जो पिछले एक साल से बात चली, लेकिन अब वो पकड़ चुकी है, और ये मैं नहीं बोला दोस्तों, मैं शख्स मुंद्रा दोस्तों यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस हिसाब से वोडाफोन आइडिया जो है दोस्तों यहाँ पे पैसे का जुगाड़ बहुत जल्दी कर सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोस्तों मिस्टर मुंद्रा बता रहे हैं, फंडिंग टॉक्स पिक्ड अप पास इन लास्ट मंथ दोस्तों, लास्ट महीने दोस्तों, यस लास्ट गया महीना, उसके अंदर फंडिंग टॉक्स जो है बहुत स्पीड से यहाँ पे चल रही है, बाय फाइनल लेवल की बातें चल सकती है वोडाफोन आइडिया के। मिस्टर अक्षय मुंद्रा दोस्तों बता रहे हैं यहाँ पे, वोडाफोन आइडिया डिसीजन विद बैंक्स, इट्स प्रमोटर्स एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स टू रेज फंड्स हैव पिक्ड अप पेस इन द लास्ट पास दोस्तों, यस गए महीने में इस तीनों चीजों से, क्योंकि बैंक से भी दोस्तों इमरजेंसी लोन की बात चल रही, प्रमोटर्स खुद भी पैसा लगाने वाले, वोडाफोन ग्रुप और आइडिया ग्रुप खुद पैसा लगाने वाले यहां पे, उसके साथ साथ एक्सटर्नल इन्वेस्टर जैसे कि मैंने बताया था अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और बाकी और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं US और बाहर से, इनसे भी पैसा लेने की जो बात चल रही है, फंडिंग लाने की बात चल रही है, पेस पकड़ चुकी दोस्तों यहां पे। और रिलीफ पैकेज जो है सरकार का वो दोस्तों यहां पे हुआ, क्योंकि सरकार ने दोस्तों यहां पे 4 साल का मॉरेटोरियम दिया, और इसके कर्ज में जो इनका व्याज था ना 16,500 करोड़ समथिंग, इसको इक्विटी में कन्वर्ट करके 33% का स्टेक ले लिया, जिस चीज की वोडाफोन आइडिया राह देख रहा था वो हो चुका है। तो इन सारी चीजों के बाद दोस्तों बात चल रही कि यहां पे बहुत जल्दी पैसा आ सकता है। वोडाफोन आइडिया हैज स्टेप लाइक रिड्यूसिंग द वैलिडिटी ऑफ इट्स करंट लेवल प्रीपेड प्लान, दोनों वोडाफोन आइडिया कुछ 6GB कर रहा है कि यहां पे जो जो इनके मिनिमम जो प्रीपेड पैक है दोस्तों यहां पे एंट्री लेवल के, उनमें इन्होंने वैलिडिटी कम की, जैसे एयरटेल ने यहां पे कम की थी मुंबई के अंदर फिलहाल, जिससे ARP यहां पे थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि ARP इनको 150 करना है, फिर 200 करना है, ये चीज इन्होंने मुंबई में की है, फिलहाल चेक कर रहे हैं कि इसका रिस्पांस कैसा था, फिर यहां पे आने वाले दूसरे सर्कल भी करेंगे। अक्षय मुद्रा बता रहे हैं कि इस हिसाब से दोस्तों यहां पे रिजल्ट्स आने के बाद कंपनी के हिसाब से चीजें कर रही है, कंपनी के हिसाब से दोस्तों यहां पे इनका नुकसान तो हुआ इस बार दोस्तों, लेकिन नुकसान थोड़ा कम हुआ दोस्तों, इस बात की जरिए 7,500 करोड़ 8,000 करोड़ होगा, वो 6,500 के आसपास ही दोस्तों अभी निकल गया, जिसके चक्कर में दोस्तों इनका VI का शेयर भी यहां पे थोड़ा भागा, क्योंकि VI ने दोस्तों लोगों से अच्छा परफॉर्म करते हैं यहां पे नजर आया। बात की जरिए मल्टीपल डिसीजन यहां पे लिए दोस्तों, यहां पे मुद्रा बता रहे हैं कि इस हिसाब से कंपनी जो है यहां पे एक्टिवली दोस्तों यहां पे धीरे धीरे चीजों को कर रही है, अपनी फंडिंग के दोस्तों यहां पे जो फाइनल स्टेज की बातें चल रही है वो होगी, सरकार ने जो इक्विटी कन्वर्शन किया वो एक पॉजिटिव मूव था, वो बता रहे हैं जिस हिसाब से अभी जो 20,000 करोड़ की जो फंडिंग है जो हम लाना चाहते हैं, जिसके हिसाब से दोस्तों हम यहां पे बात की जा रही है कि मार्केट में नेटवर्क एक्सपेंशन कर सकेंगे, गीगानेट 4G पूरे भारत में लेके आ सकेंगे, 5G दिल्ली मुंबई अहमदाबाद और पुणे जैसे कुछ बड़े बड़े सिटीज के अंदर 5G लॉन्च कर सकेंगे, गियर्स परचेस कर सकेंगे 5G के, इसके लिए पैसा चाहिए। 20,000 करोड़ की जो फंडिंग यहां पे बात चली ये दोस्तों बहुत जल्दी यहां पे आ सकती है, क्योंकि सरकार से जो हमें चाहिए था सरकार ने दिया, इक्विटी कन्वर्शन कर लिया, तो ये चीजें हो चुकी है, लेकिन अब यहां पे उसका इंप्लीमेंटेशन या इसके दोस्तों बोलते हैं ना कि अच्छे रिजल्ट्स यहां पे नजर आने वाले हैं, बहुत जल्दी यहां पे फंडिंग आ सकती है। मिस्टर मुंद्रा बता रहे हैं कि फाइनल स्टेज पे बातें यहां पे चल रही है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। और सो बात की बात दोस्तों, मिस्टर बिरला भी दोस्तों यहां पे फिर से यहां पे बोर्ड में आ चुके हैं, ग्रुप के जो हेड दोस्तों बन चुके हैं, जिसके हिसाब से पॉजिटिव वातावरण यहां पे मिला है। और बात करें इनका शेयर भी दोस्तों यहां पे ऑलमोस्ट 1.25% यहां पे भागा, 7.25 रुपए के आसपास दोस्तों यहां पे पहुंचा, जिसके हिसाब से दोस्तों सारी चीजें फिलहाल पैरेलल यहां पे चली। तो सो बात की एक बात दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी फंडिंग का जुगाड़ करना ही है, बहुत जल्दी चीजें यहां पे करनी पड़ेगी, अभी तक चीजें लटकी हुई थी, लेकिन अब सरकार की रिलीफ के बाद, सरकार की इक्विटी कन्वर्शन के बाद, सरकार के फुल बैकअप के बाद वोडाफोन आइडिया दोस्तों 3 तरह से यहां पे फंडिंग लाने वाला। पहली फंडिंग दोस्तों खुद इन्वेस्ट, जो इनके प्रमोटर्स है वोडाफोन ग्रुप और आइडिया ग्रुप, ये दोनों दोस्तों अच्छा खासा पैसा यहां पे लगाएंगे। दूसरी फंडिंग इमरजेंसी लोन के तहत दोस्तों भारतीय और बाहर की
की बैंकों से दोस्तों निकल के आएगी। तीसरी जो सबसे बड़ी फंडिंग होगी एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स जो होंगे दोस्तों बाहर के दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स इनकी तरफ से आएगी। तो टोटल 20,000 करोड़ समथिंग दोस्तों बात चली। अगर ये पैसा आ जाता है तो VI बहुत जल्दी दोस्तों यहाँ पे अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन भी करेगा और अपने 5G को गीगानेट 4G नहीं अब गीगानेट 5G की बात चली, 5G को दोस्तों भारत के कुछ चुनिंदा सिटीज में यहाँ पे लॉन्च कर सकेगा और ये बहुत ही सही होगा वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि अभी जियो एयरटेल अनलिमिटेड 5G दे रहे हैं, उनका 5G पूरे भारत में बहुत स्पीड से एक्सपांड कर रहा है और ये सही टाइम है VI को अपने 5G लॉन्च करने के लिए। अदरवाइज VI को बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ पे नुकसान हो सकता है क्योंकि इनके सब्सक्राइबर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इन्हें अपने पास रखने के लिए VI को जल्द से जल्द 5G लॉन्च करना पड़ेगा और जियो एयरटेल को कड़ी टक्कर यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर दोस्तों जो आई थी वोडाफोन आइडिया के टॉप सिट्स नेताओं से दोस्तों, जो बता रहे हैं कि बहुत जल्दी फंडिंग आने वाली है, अब चीजें पैस पकड़ चुकी है और बहुत जल्दी 20,000 करोड़ की फंडिंग आएगी जिससे वोडाफोन आइडिया अपना कर्ज भी चुकाएगा और नेटवर्क एक्सपेंशन भी करेगा और 5G को भी दोस्तों बहुत जल्दी रोल आउट करता हुआ नजर आएगा। वीडियो का अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा थम्स अप जो देते हैं, आपके भाई का चैनल है वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, उन्हें डिफिन अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं। तो दबा दीजिए इसके पास देखिएगा घंटी का बटन, उसको जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज इस घंटी के बटन को जो दबा देना। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तो चेक केयर ऑलवेज, कीप स्माइलिंग।